नमस्कार, आप देख रहे हैं सरसाई ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है मालसलामी थाना। पिछले दो दिनों से जिस तरह का होली की खुमार अब शांत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखी जाती है तो पिछले दो दिनों में होली के जो घटनाएं जो घटती है वो काफ़ी संख्या में घटती है, बढ़ती है। एक्सीडेंट होना, मारपीट होना, लेकिन इस बार खास करके मालसलामी थाना ने एक अच्छी पहल की है। पिछले दो दिनों में लगभग 19 लोगों की गिरफ्तार हुई है, जिसमें 12 व्यक्तियों को शराब बेचने, शराब ले जाने के मामले में गिरफ्तारी हुई है और 7 व्यक्तियों को पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अब देखना है, इस बिंदु पर भी एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है खासकर के लिए पुलिस प्रशासन के लिए। जिस तरह बिहार में शराबबंदी या फिर शराब पीना गैर कानूनी मांगी जानी जाती है, उसी तरह एक अच्छी पहल मालसलामी थाना ने की है। हम सीधे चलते हैं मालसलामी थाना अध्यक्ष के पास, वो क्या कह रहे हैं। सर, होली पे सर खास हिदायत था, विशेष निगरानी था खास करके असामाजिक तत्वों पर और धरेले से जो शराब का यूज इस्तेमाल किया, इस बार क्या हुआ था। होली की और जो है शब बारात के अवसर पर खुल गई, हर जगह सतर्कता भी बढ़ती जा रही थी। उसी क्रम में लगभग जो है दो दिनों के अंदर जो है 19 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 12 व्यक्ति जो है वो शराब के साथ पकड़ाए हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में देसी शराब एवं विदेशी शराब भी बरामद हुआ है और 7 व्यक्ति शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। सभी को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है और अभी तक जो भी है सभी जगह माहौल शांतिपूर्ण रहा और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग अपना होली और शब बारात को संपन्न करवाए। और कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं, कहीं नहीं, सभी जगह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ त्यौहार। इस वक्त हम आए चौक थाना और यहाँ भी होली पर विशेष रूप से निगरानी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था जहाँ तक देखा जाता है तो बिल्कुल चाक चौबंद था, किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, एक अच्छी पहल है। यहाँ भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक शराब बेचने पर और दूसरा शराब पीने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ और ही थाना चलते हैं, वहाँ से जानकारी हम लेते हैं, वहाँ का क्या मामला है, क्या उस थाना में शांति व्यवस्था कायम थी या फिर शराब पीने या फिर हुड़दंग का आरोप में गिरफ्तारी हुई है। चलिए मेरे साथ और खासकर बने रहिएगा इस वीडियो पे। बैपास थाना में और यहाँ भी 2 दिनों से 2 शराबियों को और 2 चोर को गिरफ्तार हुई है। वैसे भी चोर जो है वो टोल टैक्स के पास ऑटो में बैठकर बैग, अपना बैग के सहारे दूसरे यात्रियों को लूटपाट या फिर उससे जेब काट लेते थे। कहीं ना कहीं देखा जाता है तो इस बार जब 3 थानों पर अगर नज़र दौड़ाते हैं, मालसलामी थाना, चौक थाना या फिर बैपास थाना, तो शांतिपूर्ण ढंग से होली और शब बारात मनाई गई है और किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, एक अच्छी पहल है। और ख़ास करके पुलिस की जब चाक चौबंद होती है तो शहर में अमन चैन कायम होना बिल्कुल लाजमी है। SSI 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।